साल भर में दूसरी बार है जब अयोध्या की चर्चा घर घर में हो रही है। पहली बार 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरी बार 24 घंटे पहले जब लोकसभा में यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में हुए नुकसान की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार इस बार गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या में हार से लगा है। भव्य राम मंदिर निर्माण और अभूतपूर्व विकास के बावजूद फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। अखिलेश यादव ने जो चुनाव से पहले अयोध्या के बारे में कहा वो 4 जून को सही साबित हो गया। सवाल यह है कि राम की नगरी में बीजेपी कैसे हार गई? अवधेश प्रसाद जो अब उस फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं जिसमें राम की नगरी अयोध्या थी, जिस अयोध्या के इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी राजनीति टिकी, वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने की चुनौती देता हुआ सुना गया? माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे, मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। आखिर अवधेश प्रसाद को अपनी जीत का इतना भरोसा क्यों था, वो भी तब जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को यहाँ प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे इस पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी एक तो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा सीटें हार गई। यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा टीस अयोध्या की हार दे रही है। मैंने मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है, राम भक्तों को मैंने उठाया है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का सांसद बना दिया। तो बीजेपी जिन्हें रामद्रोही कहती रही, अयोध्या की जनता को राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाने की याद दिलाकर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाती रही, उस फैजाबाद लोकसभा सीट पर वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने बाद कैसे हार गई, इसकी सबसे बड़ी वजह स्थानीय उम्मीदवार को लेकर नाराजगी बताई जाती है। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 5,54,279 वोट मिले तो बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट। इस तरह समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद की सीट 54,567 वोटों से जीती। बीजेपी की इस हार ने यूपी में 1992 में हुए विधानसभा चुनाव की याद दिला दी जब बीजेपी को हराने के लिए मुलायम सिंह यादव और काशीराम एक साथ आए थे। वैसी स्थिति इस बार देखने को मिली और अखिलेश राहुल की जोड़ी ने बीजेपी से फैजाबाद की सीट छीन ली। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे, मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी, वो तो आए नहीं। हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट मंगाया तो कहा ये सुरक्षित सीट नहीं है और विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद बड़ा जमीनी है और लोकप्रियता है और सब लोग समर्थन करेंगे। 2014 और 2019 में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने वाले लल्लू सिंह पर बीजेपी ने इस बार भी भरोसा जताया और तीसरी बार मैदान में उतारा। दावा यह है कि नया चेहरा न उतारना ही बीजेपी को यहाँ भारी पड़ गया। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई, इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बड़े विकास का निर्माण कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का बयान भी दिया था जिस पर काफी बवाल हुआ। लल्लू सिंह ने यह बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद निराश नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सरकार तो 272 तो ही बन जाता है, लेकिन 272 कि सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। बीजेपी ने लल्लू सिंह के बयान से हुए नुकसान को रोकने के लिए भरकस कोशिश की, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वो नाकाम रही। अयोध्या में बीजेपी की हार का दूसरा बड़ा कारण वहां जमीन अधिग्रहण को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए, दावा है कि कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया।
जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। तो अयोध्या में स्थानीय मुद्दे हावी रहे, जमीन अधिग्रहण को लेकर लोगों में नाराजगी रही। इस तरह राम राजनीति की राजधानी कहे जाने वाली अयोध्या में बीजेपी की तरफ से कई गलतियां की गई, जिसे भुराने के लिए अखिलेश ने ऐसी रणनीति बनाई कि बीजेपी अयोध्या में हार गई। आज तक ब्यूरो। अयोध्या में हार से पहले बीजेपी अखिलेश यादव और कांग्रेस को रामद्रोही बता रही थी, लेकिन नतीजे बताते हैं कि बीजेपी का ये दांव चला नहीं। फैजाबाद में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने खास रणनीति बनाई। इसके तहत वो अयोध्या शहर में नहीं गए, उन्होंने गांव के इलाकों पर फोकस किया। मुस्लिम दलित पिछड़ों के वोट को एकजुट कर बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें, समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे धकेल कर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया, जिसके लिए वो आज तक से बातचीत जनता को शुक्रिया कहते हैं। नेताजी आज होते तो नेताजी और खुश होते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई, और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटे। अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ मिलकर पूर्वांचल में कब्जा जमा लिया, लेकिन अयोध्या में जीत समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मीठी है, जहां अखिलेश की रणनीति काम कर गई। अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी, पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे, मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। मैं तो इंतजार करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीन तीन चार चार बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए, ये क्या था। बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। माना जाता है कि गांव के लोगों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर और बीकापुर में अपनी सभाएं की, जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को शहर में हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया। जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे भावात्मक लगाव से लोगों को जोड़ा, इसका असर भी देखने को मिला और इंडिया गठबंधन को अयोध्या शहर से ज्यादा ग्रामीण विधानसभाओं में वोट मिले। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 92,859 वोट के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 1,22,543 वोट मिले। इंडिया गठबंधन को मिल्कीपुर में 95,612, दरियाबाद में 1,31,000 से ज्यादा और रदौली में करीब 1,04,000 वोट मिले। इस तरह फैजाबाद में 5 में से 4 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हावी रहा, और अयोध्या शहर में इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा वोट मिलने पर भी बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई, और अवधेश प्रसाद नतीजों से पहले ही जीत के दावे करते सुने गए। यहाँ के देवतुल्य जनता ने, सम्मानित मतदाताओं ने, आदरणीय बुजुर्गों ने, आदरणीय माताओं ने, आदरणीय बहनों ने, आदरणीय नौजवानों ने और समाज के सभी आदरणीय बंधुओं ने पूरी निष्ठा के साथ लगाव के साथ चुनाव को अपने हाथ में लेकर के इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार मैं हूं अवधेश प्रसाद, उनका भरपूर समर्थन किया है और उनकी तरफ से 1000% मैं कह सकता हूं कि जीत का सर्टिफिकेट वो दे चुके हैं। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 40,000 से ज्यादा वोट पा लिए और अयोध्या में खेल हो गया। इसके अलावा अखिलेश ने मुस्लिम वोट को एकजुट करने में कामयाबी पा ली। इस तरह इंडिया गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को
बांटने में कामयाब रहा और राहुल अखिलेश ने अपना वोट बरकरार रखा। 5 लाख मुस्लिम इंडिया गठबंधन की तरफ गोलबंद हो गए और मुस्लिम दलितों के वोट से समाजवादी पार्टी जीत गई। यूपी में बुरी हार ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। पार्टी के सामने हार के कारणों को ढूंढने की चुनौती है। इस बीच साक्षी महाराज से लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने खुलेआम भीतरघात की बात कही है। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के भीतर तनाव साफ साफ दिख रहा है। साक्षी महाराज जैसे नेता इस बदतर प्रदर्शन के लिए घर के भेदियों को दोष देते हुए आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। साक्षी महाराज भले ही उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीत गए हों, लेकिन उनकी जीत के अंतर में कमी आई है, इसीलिए वो पार्टी में रहते हुए नुकसान पहुंचाने वालों पर भड़के हुए हैं। ऐसी शिकायत फतेहपुर से चुनाव हारी केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति करती हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। सूत्रों की माने तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के नजदीकी लोगों का भी मानना है कि बीजेपी के कई नेता ऊपर से तो साथ दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर हराने में अपनी ताकत लगाते रहे। जौनपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे कृपा शंकर सिंह ने कहा कि हार से निराश नहीं है, लेकिन वो अपनी हार की वजह शीर्ष नेताओं को बताएंगे। सहारनपुर से दूसरी बार चुनाव हारे राघव लखनपाल का मानना है कि 400 पार का नारा उल्टा पड़ा और दलितों ने भाजपा के खिलाफ वोट दे दिया। कुछ जातिगत समीकरणों के चलते, कोई ऐसे वोट बैंक के शिफ्ट होने के चलते जो कि मुझे देखने को मिला है गिनती के दौरान, उसके कारण ये हम इस सीट को नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश में हार की वजह बेशक लोग भीतरघात को, गद्दारी को ठहरा रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि जो बीजेपी का अपना वोट बैंक पिछले 10 सालों से बना हुआ था ओबीसी, वो बीजेपी से छिटक गया है। कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, निषाद, ये बिरादरियां बीजेपी से खिसकी हैं, छिटकी हैं और ये सपा और इंडिया अलायंस के साथ गई। और इसी के साथ दलित वोट भी, जो कि आरक्षण और दूसरे मुद्दों से नाराज था, वो भी चुपचाप इंडिया अलायंस को चला गया। हार की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।